भिंडी 28 रुपए भैया। अब कम बता डरते ही कम 22 की नहीं पड़ेगी, 22 मत नहीं पड़ेगा, 25 नहीं, 25 रुपए मांग रहे हैं गाइस अभी भिंडी को। अभी गाइस भिंडी को ट्रांसफर कर दिए हैं बोरी में और अभी भैया से पैसा लेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 6:30 और अभी हम लोग आ चुके हैं भिंडी हार्वेस्ट करने के लिए। ये देखिए हार्वेस्टिंग चल रहा है, मम्मी और पापा हार्वेस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो इतना सारा फल हार्वेस्ट कर लिए हैं और इतना ही फल अभी घर के पास ले गए हैं। देख सकते हैं भिंडी का कलर थोड़ा डाउन है यार, इसमें खाद डालना पड़ेगा, हल्का सा पीलापन आ गया है और काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया भिंडी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग है तो बहुत दिन में कर रहे हैं हार्वेस्ट, इस साइड को हार्वेस्ट कर लिए हैं और इस साइड को भी हार्वेस्ट कर लिए हैं। यही थोड़ा सा बचा हुआ है, ये आगे वाला पार्ट और इस साइड का आगे वाला पार्ट। ये देखिए कुछ इस प्रकार से फल लगा हुआ है, 3-4 फल लगा हुआ है एक पौधे में और इधर और तना है उसका, उसमें भी फल लग रहा है। फल तो ठीक ठाक लगा है, अभी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है तो उतना ज़्यादा भिंडी नहीं निकलेगा, फिर भी 10-15 किलो के आसपास निकल जाना चाहिए। देखिए थैला में रखे हैं, उतना खास पौधा नहीं दिख रहा यार, देख सकते हैं बीमारी से ग्रसित है ये पत्ता मुड़ने वाला, बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रहा है। इसमें भी फल लगा हुआ है लेकिन पत्ता भले से मुड़ा हुआ है लेकिन फल लगा हुआ है, देख सकते हैं 2-3 फल उस साइड दिख रहा है, 2 फल उस साइड है और 1 फल इस साइड, और ये छोटा सा दिख रहा है ये भी फल बनेगा, अभी ये भी फल बनेगा। पौधे में फल ठीक ठाक आ रहा है, 3 फल 4 फल 5 फल आ रहा है एक पौधे में। चलो देखते हैं अभी कितना सारा फल निकलेगा फर्स्ट हार्वेस्टिंग में। बहुत दिन के बाद सब्जी निकल रहा है बाड़ी से, एक बार और हार्वेस्ट किए थे वही 1-2 किलो इसमें का सब्जी के लिए बस, उसके बाद अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके नीचे वाला भिंडी को भी दिखाता हूँ, ये देखो इस साइड का पौधा कंडीशन उतना बेटर नहीं है, ग्रो ही नहीं किया यार इस साल, ये बीमारी लग गया इसीलिए, वरना अब तक का उस साइड जैसे घना घन मस्त रहता, लेकिन इस साइड को देखो बहुत दूर दूर में है। ये रहा गाइस उससे पीछे लगाए थे वो वाला भिंडी, इसमें भी 1-2 फूल दिख रहा है। ये देखिए वहाँ पे भी फूल दिख रहा है, इसमें भी फल लगना स्टार्ट हो चुका है यार। ये देखो नीचे में फल लगा हुआ है, फूल भी लगा हुआ है और ये जो दिख रहा है ये भी अभी फल बनेगा, फूल पहले बनेगा उसके बाद फल बनेगा, सभी में फल आना स्टार्ट हो रहा है इसमें भी। और इसमें का भिंडी थोड़ा बेटर दिख रहा है, देख सकते हैं पत्ते भी बड़े बड़े हैं, बस इसमें खाद डालना पड़ेगा, पीलापन आ चुका है। इधर देखो इस पौधे में भी अभी फल लगेगा, 1, 2, 3 और ये 4 फल इसमें भी लगेगा। और मक्का का भी हाइट देख सकते हैं, मक्का भी काफ़ी ग्रो हो चुका है, ये घर के पास वाला मक्का है, अब इसमें भी फूल निकलना स्टार्ट होगा। सबसे पहले मक्का लगाए थे वो भी लगभग पकना स्टार्ट हो रहा है, हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है, काफ़ी मक्का हो गया है और काफ़ी मक्का भी पकना बाकी है। तो चलिए गाइस अभी इसको हार्वेस्ट होने देते हैं, थोड़ा 2-3 डूहरू और बचा हुआ है, उसके बाद फिर दिखाता हूँ कितना सारा फल निकलता है। अभी गाइस घर के पास आ चुका हूँ और ये देखो जितना भी भिंडी हार्वेस्ट किए थे उसको ले आए हैं घर के पास, वही 10 किलो के आसपास हो गई है और थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हार्वेस्ट कर ही रहे हैं उस साइड। वो देखो उधर पापा है उधर मम्मी, अभी इसको ना झोला में डालेंगे छटनी करके इस झोला में, इसमें से तो काफ़ी भिंडी अभी बूढ़ा निकल जाएगा क्योंकि फर्स्ट हार्वेस्टिंग है तो बूढ़ा तो निकलेगा यार, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। ये देखो इसको 1-2 दिन पहले ही हार्वेस्ट करना था लेकिन नहीं हुआ करके नहीं हार्वेस्ट कर रहे थे, अभी इसके लिए खाद भी लाऊंगा, खाद देना ज़रूरी है, कलर डाउन हो चुका है इसका। तो चलिए गाइस अभी इसको झोला में डाल लेते हैं।
अभी गाइस भिंडी को छांट कर झोला में डाल दिए हैं। ये देखिए लगभग 20 किलो के आसपास हो गई और बहुत सारा फल तो बूढ़ा निकल गया है। वो देखो इसको गाय को खिलाएंगे। अभी गाइस मैं तैयार हो जाता हूँ मार्केट जाने के लिए। अभी गाइस मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ और ये देखो भिंडी को सामने में रखे हैं, सामने में पकड़ के ले जा रहा हूँ क्योंकि एक ही झोला है 20 किलो, तो दिक्कत नहीं है, बन जा रहा है। अब चलिए गाइस चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या रेट में बिकेगा भिंडी। लगभग 2 महीने बाद मैं जा रहा हूँ मार्केट। अभी गाइस मार्केट पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे रखे हैं बीच में भिंडी को। ये देख सकते हैं खाली है अभी मार्केट, सुबह ही आ गया हूँ। इस साइड को भी देख सकते हैं, वैसे भी बीच एरिया खाली ही रहता है, अभी सब्जी कम आ रहा है तो और खाली रहता होगा। मैं तो बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ। अभी सब्जियों का डिमांड अच्छा चल रहा है, सभी सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है। अभी इसको भी 25 रुपये किलो मंगे हैं भैया, देखते हैं अभी क्या रेट में बिकेगा। 26-27 रुपये किलो तक बिक जाना चाहिए। पहली टोरे हम ना इधर एक बार एक दिन के गेप में टूट ही छोटे छोटे रहे। 27 पड़ी नहीं, 22 रुपये किलो मंगे हैं गाइस। अभी एक जने 25 मंगे थे, देखते हैं 26-27 रुपये तक दे देंगे। भिंडी 28 रुपये भैया। अब कम बता डरते हैं, कम 22 की नहीं पड़ेगी, 22 मत नहीं पड़ेगा, नहीं ले भैया रह देगा, कम नहीं चला था ना उधर 26 के लगा होगा। 25 रुपये मंग रहे हैं गाइस अभी भिंडी को, 25 ही रुपये मंग रहे हैं यार, ज़्यादा नहीं मंग रहे, दो जने मंग लिए। ले बता 24 कम हो जाए, 26 पड़े। अरे 25 मत, 3 जन मांग के रेंग दे, तो 27-28 ले कम मने देते नहीं है। अब पहली टोरे हम तो रेबे कर, अब एक दिन के गैप में टूटी तो फिर छोटे छोटे आए। हो भिंडी है 40-40 40 कही थे हम, कहाँ 40 कहे थे उनका। कहाँ ज़्यादा नहीं कमाऊंगा, हमारे 30 से ज़्यादा नहीं चला काम, तो यहाँ ज़्यादा चला थे का। कहाँ भिंडी खड़ा हुआ, फसल ही नहीं नहीं आया। 24 में 24 रुपये किलो मांग रहे हैं गाइस अभी, 24-25 ही मांग रहे हैं यार, देना पड़ेगा लग रहा है 25 रुपये में इस बार मांगेंगे तो। अभी गाइस अपना भिंडी बिक चुका है, 25 रुपये किलो में ही दिए हैं यार, बढ़ नहीं रहा था तो। और शुरू भैया मांग रहे थे ना, उसी को दिए हैं। अभी देखो ढक दिए हैं इसको और मार्केट का हाल भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सब्जियाँ रखा हुआ है उस साइड, भिंडी वगैरह, भिंडी ही ज़्यादा दिख रहा है, मूली भिंडी ये ले। और इस साइड तो खाली ही रहता है, ये बीच वाला एरिया है। तो अभी सभी सब्जियों का रेट काफ़ी महंगा है, अच्छा रेट में बिक रहा है। अभी देखते हैं तौलते हैं थोड़ा लेट में, उसके बाद फिर घर निकलेंगे। अभी गाइस भिंडी को तौल कर भैया के पास ले आए हैं, ये देखो ये भैया लिए हैं। अभी इसको इस बोरी में डाल लेते हैं, 18.5 किलो आया है यार। अभी गाइस भिंडी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं इस झोला में, बोरी में यार, सॉरी झोला बोल रहा था, बोरी में। और अभी भैया से पैसा लेंगे। अभी देखो लास्ट एरिया में आए हैं, इस साइड भी सब्जियां नहीं है। ये बैगन ब्लैक वाला भैया लाए, क्या रेट में दिए होंगे भाटा को, 20-22 चल रहा है, 22 रुपये। ये देख सकते हैं गाइस ये काला वाला बैगन 20-22 रुपये बिक रहा है। चिल्हर देना नहीं रखते, 40-10 लगा दी ले तो बन जाए, दे तो भाटा वाले में डाल दे भाई। और भाई भाटा तो ये चलो गाइस पैसे हो चुके हैं, अब चलते हैं घर। सो अभी बज चुके हैं गाइस शाम के 5 और मार्केट से आने के बाद ना मैं थोड़ा काम से बाहर चला गया था यार, सो अभी आ रहा हूँ और उसी के चलते ठीक से मार्केट को भी नहीं दिखा पाया, काफ़ी जल्दी हो गया था, काम से थोड़ा बाहर जाना था इसीलिए। और आज का मार्केट ना काफ़ी अच्छा रहा, लगभग 2 महीना बाद तो मैं आज मार्केट गया, 2-2.5 महीना हो गया,
कुछ सब्जी नहीं निकल रहा था इसीलिए मार्केट जा नहीं रहा था। और सब्जियों का रेट ना काफी बढ़ा हुआ है, मस्त रेट में जा रहा है अभी। जिसका भी सब्जी निकल रहा होगा ना मस्त प्रॉफिट बन रहा होगा। मेरा तो आज फर्स्ट हार्वेस्टिंग था जिसमें वही 18.5 किलो भिंडी निकला था, जिसको 450 रुपये का बेचा था। वो भी ज़्यादा का बन रहा था लेकिन व्यापारी मुझे 450 ही दिया, लगभग 10-15 रुपये और एक्स्ट्रा हो रहा था उसको नहीं दिया। अन्य सब्जियों की रेट की बात करें ना तो बैंगन जा रहा है 22 से 25 रुपये किलो क्वालिटी वाइज, उसका भी रेट है। करेली 50 रुपये किलो बिक रहा था मार्केट में, मैं पता किया था। टमाटर 800 के रेट कट रहा था तो वो लगभग 40-50 रुपये किलो वो भी बिकेगा टमाटर किलो में, ऐसे होलसेल मार्केट का रेट बता रहा हूँ मैं। और बरबट्टी वही 35 से 40 रुपये किलो जा रहा है, मतलब सभी सब्जियों का रेट ठीक ठाक ही है। और कुछ इसी प्रकार से सब्जियाँ आ रहा है, उतना ज़्यादा सब्जी भी नहीं आ रहा है। मक्का भी हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है गाइस, 2-4 दिन में मक्का को भी हार्वेस्ट करेंगे तो उसका ब्लॉग आएगा, वो क्या रेट जा रहा है उसको देखेंगे। तो ठीक है गाइस, अब से इधर से रेगुलर ब्लॉग आएगा वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड। 2-2.5 महीने से ना कुछ सब्जी नहीं निकल रहा था इसीलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो आगे जो भी अपडेट रहेगा उसको दूंगा। फिलहाल तो आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। कैसा लगा आज के ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। कुछ इस प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग देखने को मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। जय जय भारत।